आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैं डेढ़ सौ वर्ड पर मिनट पे टाइप कर पाता हूं और उसी के साथ साथ आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि कैसे यह सब मैं अचीव कर पाया और कैसे मैंने इसकी सहायता से बहुत सारे पैसे भी कमाए सो लेट्स गेट स्टार्ट गेस्ट टच टाइपिंग टाइपिंग करने का वो तरीका है जिसमें आप लोग बिना कीबोर्ड की तरफ देखे टाइपिंग करते हैं जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ मान लो मैं लिखना चाहता हूं जावा प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स तो मैंने ये बिना कीबोर्ड की तरफ देखे लिखा अब ये सब कैसे मुमकिन हो पाया और इसके फायदे क्या हैं ऐसा कर पाने के फायदे क्या है तो सबसे पहला फायदा तो आप लोगों को नजर आता ही है कि यार अगर आप लोग फास्ट टाइप करते हैं तो लोग इंप्रेस होते हैं और उसी के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी ऊपर होती जाती है अब लोगों का इंप्रेस होने का भी एक रीजन होता है कि यार ये इंसान इतने तेज टाइप कर रहा है ये कितना प्रोडक्टिव इंसान है तो मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ बाहर और किसी के सामने टाइप करता हूँ ऐसे या फिर अगर मैं ऐसे कहीं साइबर कैफे में भी प्रिंट आउट वगैरह निकलवाने जा रहा हूँ मैं टाइप करता हूँ स्पीड पर तो लोग मुझसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि यार ये ये कै, कै, कैसे कर पा रहे हो तुम तो बिना की की तरफ और वो भी इतनी तेज अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था जिसमें कि ये बताया गया था कि एक इक्कीस दिन आप लोग अपने एक साल में से बचा सकते हो अगर आप लोग तेज़ टाइपिंग करते हो यार इक्कीस दिन बहुत होते हैं एक साल में अगर आप लोग तेज़ टाइपिंग करके बचा पा रहे हो चाहे आप चैटिंग कर रहे हो किसी के साथ चाहे आपको ईमेल ई मेल टाइप कर रहे हो या फिर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो गूगल सर्चेज मार रहे हो उसमें जो टाइम बचता है वो एक साल में कलेक्ट होकर इक्कीस दिन ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आप लोगों को कि जो नॉर्मल इंसान होता है वो कैसे टाइपिंग करता है जो एक नॉर्मल इंसान है वो कीबोर्ड की तरफ देखकर अपनी दो उंगलियों का यूज़ करके टाइपिंग करता है यानी कि वो कुछ इस तरह से टाइपिंग करता है कि स्पेस ए एम आ गुड और मैं भी ऐसे ही टाइपिंग करता था मैं भी कुछ ऐसे ही टाइपिंग करता था ऐसा नहीं है कि मैंने जो है ये अचानक से पैदा होते ही टाइपिंग करना स्टार्ट कर दी टच टाइपिंग वाली मैं भी ऐसे टाइप करता था बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार मैं यहाँ पर जितनी स्पीड बढ़ा पा रहा हूँ वो एक ऐसी स्पीड है कि यार ये मैं यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ यानी कि मैं पंद्रह बीस पच्चीस वर्ड पर मिनट तक ही टाइप कर सकता हूँ अगर मैं ऐसे टाइप कर सकता हूँ बहुत एक्सपर्ट अगर आप हुए तो आप तीस पैंतीस तक जा सकते हो अगर आप बहुत मेहनत कर दो सिर्फ इसी में लेकिन क्या ये ऑप्टिमल वे है आप नॉट तो ऑप्टिमल वे क्या है ऑप्टिमल वे है टच टाइपिंग ठीक है टच टाइपिंग अगर आप लोग लिखेंगे जिस तरह से इंटरनेट पर तो टच टाइपिंग एक स्टाइल होता है टाइपिंग का आपकी ये जो दो उंगलियां होती हैं आप लोग जे और एफ़ पे रखते हो राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर होती है वो आप लोग जे पे रखते हो लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर होती है वो आप लोग एफ़ पे रखते हो और उसके बाद आप लोग पूरे कीबोर्ड का अनुमान बिल्कुल उसी तरह से लगाते हो तो अगर आप लोगों को स्टार्ट करना है तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी फिंगर्स कहाँ पर रखी हुई हैं मैं यहाँ पर इमेजेस में जाता हूँ आई एम प्रेटी श्योर कि इन लोगों ने बता रखा होगा जैसे कि आप लोग ये हाथ देख रहे हैं ये इमेज आप लोग देख सकते हैं इसमें आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपके क्वालिटी वाला जो कीबोर्ड है उसके हिसाब से राइट हैंड की फिंगर की बात करूँ तो जे के एल और सेमी कॉलन पे होती है और अगर मैं लेफ़्ट हैंड की बात करूं यहाँ पर तो वो होती है मेरी ए एस डी और एफ़ और जो ऊपर का और नीचे का की का लेआउट होता है वो बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों को याद करना होता है अगर आप लोगों को पता हो तो कि आपका जो की है आप अपने कीबोर्ड की तरफ देखें अभी आपके कीबोर्ड में एफ़ और जे की में बम्प दिए होते हैं वो बम्प आप लोगों को इन दोनों कीज को ढूंढने के लिए दिए होते हैं यार आप लोग इन दोनों कीज को ढूंढ लो एफ और जे को और जब आप इन दोनों कीज को ढूंढोगे आप अपने हाथ ए एस डी एफ और जे के एल सेमी कॉलर पर ऑटोमेटिकली रख दोगे तो इसीलिए आप लोगों को ये बम्स दिए होते हैं कुछ इस तरह से और आप इन बम्स की सहायता से कीबोर्ड को अच्छे से ढूंढ सकते हो अब आप में से कई लोग कहोगे यार हमने हाथ तो रख लिए कुछ इस तरह से अब क्या करें अब कैसे टाइपिंग करें ये तो यार नामुमकिन सा हो गया टाइपिंग करना मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की बोर्ड शॉर्ट बताऊंगा तीन चार ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जो होम की है वो आपके बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ द लाइन पर ले आती है आपके कर्सर को एंड की एंड ऑफ द लाइन पर ले जाती है आपके कर्सर को बैक स्पेस इस डायरेक्शन में डिलीट करती है और अगर आप की से इधर आ जाएं और आप डिलीट की दबाएँ तो वो राइट right वाले कैरेक्टर्स को डिलीट करती है उसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा अगर आपने लिखा है टच टाइपिंग और आप डिलीट करना चाहते हो एक पूरा वर्ड जो कि टाइपिंग है आप कंट्रोल बैक्सपेज दबा सकते हो और एक पूरा वर्ड टाइप हो जाता है और ये कैसी चीज़ है ना यार जो कि मुझे किसी ने नहीं बताई मुझे किसी ने नहीं बताई कि यार कंट्रोल बैक्सपेज दबाकर आप एक पूरे वर्ड को टाइप कर सकते हो और जब मैं टाइपिंग रेसेस करता हूं ऑनलाइन तो मैं पहले क्या करता था कि बैकस्पेस दबाकर पूरे एक एक कैरेक्टर करके वर्ड को डिलीट करता था बट अब मैं कंट्रोल बैकस्पेस से जब डिलीट करता हूं ना एक पूरे वर्ड को तो जो बात आती है ना, मेरी टाइपिंग स्पीड में मैं आपको बता नहीं सकता कितना इंप्रूव हो जाती है मेरी टाइपिंग स्पीड सिर्फ इस चीज से एक और बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को फनी लग सकती है बट इट्स ट्रू कि मुझे यह भी नहीं मालूम था कि शिफ्ट दबाकर किसी भी कैरेक्टर को आप लोग प्रेस करें तो आप कैपिटल जो आपका आ, आई है ओ है या कोई भी लेटर है आप लोग लिख सकते हैं तो मैं शिफ्ट दबा के ओ लिखूंगा तो कैपिटल ओ आएगा वरना स्मॉल ओ आएगा बट यहाँ पर मुझे ये बात मालूम नहीं थी तो ये सब बातें मुझे कैसे पता चली ये मैं आप लोगों को बताता हूँ तो मैंने कैसे टाइपिंग सीखी अगर आप लोग मुझसे पूछे तो एक सॉफ्टवेयर था मैं लोगों को बता रहा हूँ करीब काफी पुरानी बात बता रहा हूँ जब शायद मैं कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस ही हुआ था एंड आई वाज लकी इनफ कि यार मैं इनिशियल स्टेज में टच टाइपिंग सीख पाया था मैं आप लोगों को बताता सॉफ्टवेयर का नाम नाम क्या है है और उसका टाइपिंग मास्टर ठीक है master, अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूं ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है सात दिन का ट्रायल आप लोग को देते हैं और उसके बाद इसको बाय करना पड़ता है मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा आप इसको बाय ना करें इसका सात दिन का ट्रायल ही आप लोग ट्राई करें और सात दिन में आप लोग को कम से कम इतना आइडिया तो लग जाएगा कि यार आप लोग किस तरह से टाइपिंग करेंगे इसके बाद इसके कुछ फ्री ऑल्टरनेटिव हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा मैंने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है और आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पर इसको खोल रहा हूँ और uh, मैंने इसको खोल लिया है यहाँ पर मैं एंटर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखो ये लेसन बहुत सारे देता है इसमें करीब बारह लेसन इफ आई एम नॉट रॉन्ग और मेरे हिसाब से यार आप लोग सात दिन में इसको कम्प्लीट कर ही सकते हो मुझे नहीं मालूम इसका प्राइस कितना है मैंने देखा नहीं अभी बट uh, आई डोंट रिकमेंड बाइंग दिस यार आप इसको फ्री में जो है डाउनलोड करें ये मैंने इस्तेमाल करा हुआ है सॉफ्टवेयर अपनी टच टाइपिंग इंप्रूव करने के लिए क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि मैंने कैसे टच टाइपिंग इंप्रूव करी तो ये सॉफ्टवेयर था जो कि मैंने इंस्टॉल किया था और इसको पूरा मैंने कंप्लीट किया था तो यहाँ पर देखो टच टाइपिंग के बेसिक सबसे पहले आप लोग को बताए जा रहे हैं कि भाई आप लोगों को उंगलियाँ रखनी पर अपनी उसके बाद आप लोगों को पर की प्रैक्टिस कराई जाएगी उसके बाद पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को प्रैक्टिस आई जाएगी अलग अलग तरह की ड्रिल्स की जिसमें आपको एक ही प्रैक्टिस करनी है स्पेस एस एस स्पेस और उसके बाद आपके हाथ कहाँ पर रखे हुए हैं इन्होंने ऑलरेडी बताए थे डी डी स्पेस एफ एफ स्पेस और इस तरह से आप लोग को ड्रिल करनी है और यहाँ पर इसको करने में बहुत मज़ा आता है और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप लोग आराम से इसको सात दिन में ख़त्म कर सकते हो ठीक है आप लोग इसको अगर पूरा सात दिन में नहीं तो इसमें जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो सात दिन में ख़त्म कर सकते हो अब यूज़फुल से मतलब ये है कि आप जो पैराग्राफ ड्रिल्स हैं उनको कर लो जल्दी जल्दी अब अंप पर देखो 12 से लेके 12.1 से लेके 12.7 तक है बारहवें में और यहाँ पर देखो 11.1 से लेके 11.5 तक है और मेरे हिसाब से यार दिस इज डूएबल इन अ वीक आप लोग थोड़ा सा हार्डवर्क और एफर्ट लगाओगे तो ये सात दिन में हो जाएगा और मैं बताऊं ट्रायल होने का एक फायदा भी मुझे यहाँ पर दिखता है ट्रायल अगर ये है तो आप लोगों के ऊपर प्रेशर रहेगा कि यार मुझे सात दिन में कंप्लीट करना ही करना है अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो मैं ही नहीं बोल रहा हूँ आपको खरीदना ही नहीं है बट आई डोंट रिकमेंड बाइंग इट क्योंकि यार मेरे हिसाब से इस तरह के फ्री बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप लोग को मिल जाएंगे बिना पैसा खर्चे तो इस पर पैसा खर्चना मैं रिकमेंड नहीं करता हूं अगर आप चाहे तो जरूर खरीद सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है तो यहाँ पर देखो इसमें अलग अलग तरह से गेम्स स्टैटिस्टिक्स और ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो फॉर सेवन डेज ये वो सॉफ्टवेयर है जिसने मुझे टप, टच टाइपिंग सिखाई ठीक है और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर और वेबसाइट्स बताता हूँ अब देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि जो कीबोर्ड है मैं जरा यहाँ पर कीबोर्ड खोल लूँ कहीं पर ये मैं अगर कीबोर्ड को लेकर चलूँ यहाँ पर तो आपकी जो लेफ़्ट वाला हैंड होता है ठीक है मैं इसको ज़रा एक नई टैब में खोल लेता हूँ फिर आप लोगों को समझाता हूँ जो आपका लेफ्ट वाला हैंड होता है वो कहाँ पर रहेगा ए एस डी एफ पर ठीक है तो आर आपकी कौन सी फिंगर संभालेगी जो आपकी F वाली फिंगर है वो आपकी R की को संभालेगी E आपकी D वाली फिंगर को संभालेगी आप कलर देख सकते हो यहाँ पर ये वाली जो फिंगर है ये इन सारी कीज़ को संभालेगी ये रेड वाली फिंगर इन सारी कीज़ को संभालेगी और ये ब्लू वाली फिंगर इन सारी कीज़ को संभालेगी और ये जो आपकी फिंगर है जो कि आई थिंक डार्क ब्लू, ब्लू कलर है पर्पल टाइप का कलर है वो इन सारी कीज़ को संभालेगी और ये वाली जो फिंगर है ये इनको और येलो वाली इनको और ग्रीन वाली इन सारी को संभालेगी बट मैं पर आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये चीज प्रैक्टिस से ही आएगी जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग अच्छा होते जाएंगे अगर आप लोग टाइपिंग मास्टर को कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी टाइपिंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव तो हो ही जाएगी आप लोग उसके बाद खुद से डायरेक्शन लेके प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर दोगे अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने वी को टाइप किया आपकी जो फिंगर्स हैं वो यहाँ पर ए एस डी एफ़ वाली जो स्टार्टिंग पोजीशन है वहाँ पर वापस आ जानी चाहिए यानी कि अगर आपने एफ़ टाइप किया या फिर आपने इस वाले हाथ से एच टाइप किया सॉरी uh, जे टाइप किया एच टाइप किया या फिर अगर वाली इस वाली फिंगर से आपने के टाइप किया इस वाली फिंगर से एल टाइप किया इस वाली फिंगर से सेमिकॉलन टाइप किया या फिर डॉट टाइप किया कुछ भी टाइप किया ये आपकी जो फिंगर है ये जगह पर आ जानी चाहिए ये फिंगर जो कि डॉट और एल को संभाल रही है वो जगह पर आ जानी चाहिए शिफ्ट आपकी ये वाली फिंगर संभाल ली है ये वाला शिफ्ट आपकी ये वाली फिंगर संभाल ली है तो अगर आप लोगों को कैपिटल ई टाइप करना पड़ गया तो ये वाली फिंगर शिफ्ट दबाएगी और आप ई दबाओगे और कैपिटल ई टाइप होगा बिल्कुल इस तरह से ठीक है तो यहाँ पर मैं इस तरह से कैपिटल ई बना सकता हूँ तो आप लोग तेज टाइप करते करते ही अपने को कैपिटल स्मॉल कर सकते हो जैसे कि आपने देखा होगा जब मैं टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं सेमी सैमिकॉलन डबल कोट सिंगल कोट सब कुछ लगा लेता हूँ अब यहाँ पर फॉर सम रीज़न इनके कीबोर्ड में एट द रेट आ रहा है मेरे में डबल कोट है आपके में भी डबल कोट होगा और यहाँ पर हमारा सिंगल कोट और डबल कोट होते हैं सेमिकॉलोन के बराबर में सिंगल कोट डबल कोट और ये एंटर थोड़ा बड़ा होता है तो ये पता नहीं कौन सा कीबोर्ड लेआउट है बट आपके कीबोर्ड लेआउट में जो मेरा कीबोर्ड लेआउट है बिल्कुल वैसा ही होगा ठीक है अब यहाँ पर मैं कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि यार एक बार आप लोग चले गए टाइपिंग मास्टर में और टाइपिंग मास्टर में आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली आपको पता चल गया कि भाई ए की अच्छी ड्रिल कर ली आपने क्यू की अच्छी ड्रिल कर ली इन सारे हाथ की आपने प्रैक्टिस कर ली बिल्कुल सही नंबर्स की प्रैक्टिस कर ली हालांकि मैं नंबर्स पहले रेकमेंड नहीं करूँगा आप पहले वर्ड्स को टाइप करना सीख लें सिर्फ वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लें और अगर आप नंबर्स को देख के भी टाइप करते हो फॉर सम टाइम दैट इज़ फाइन बट लेटर आप लोग नंबर्स पर भी आ जाओ यार कोई ऐसी बात नहीं है ठीक है आप लोग ये वाली जो फिंगर है आपकी ये टू ये वाली थ्री ये वाली फ़ोर संभाली की ये सारे काम भी आप लोग कर सकते हो बट मैं अगर आप लोग को लेकर जाना चाहूँगा कुछ वेबसाइट पर जैसे कि मैं टाइप रेसर का इस्तेमाल करता हूँ तो टाइप रेसर एक वेबसाइट है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ और टाइप रेसर डॉट कॉम लगता है मैंने गलत ताइप, लिख दिया टाइप टाइपर रेसर लिख दिया मैंने टाइप रेसर डॉट ठीक है तो यहाँ पर टाइप रेसर डॉट अगर हम लोग जाएँ तो आप लोग देख सकते हैं कि आप एक टाइपिंग रेस में एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग जो है टाइपिंग रेस कर सकते हैं तो मैं भी यहाँ पर इसको बंद कर दूँगा आप लोग इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर अपनी टाइपिंग स्पीड को निकाल सकते हैं कि आपकी वर्ड्स पर मिटन में टाइपिंग स्पीड कितनी है आपकी कौन सी पोजिशन आई एक और जो मैं वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ वो है टेन फास्ट फिंगर्स टेन फास्ट फिंगर्स और ये भी आप लोगों को टाइपिंग सिखाती है और ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है आप लोग इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस वेबसाइट की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि ये वेबसाइट आपको सिर्फ वर्ड्स देती है सैमिकॉलन और वो सब नहीं देती है इनिशियली आप लोग को बाद में ये एडवांस टाइपिंग टेस्ट में वो सब चीज़ देती है जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट एडवास्ड में चाहें तो आपको बीच बीच में आ जाते हैं कैपिटल वर्ड्स और उसके बाद सैमिकॉलन कोलन्स कोट्स वो सब चीज़ें आ जाती हैं अब आप अपना एक टाइपिंग टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर सेटिंग्स को ओपन करके तो ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो कि आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं उसी के साथ साथ एक और वेबसाइट है टाइपिंग ठीक है यहाँ पर गूगल में आ जाएगी टाइपिंग और यहाँ पर आप लोग देखो ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स है मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि कि आप लोग को टाइपिंग सिखाएंगी और मैं आप लोग को एक बात और बताऊँ कि लर्न टाइपिंग भी अगर आप लोग यहाँ पर गूगल सर्च कर लो ना तो लर्न टाइपिंग कोई भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी बहुत सारी जो कि आप लोग जिनमें से एक जो है सेलेक्ट कर सकते हो इसे टाइपिंग क्लब डॉट कॉम है मैंने इस वेबसाइट के बारे में कभी सुना भी नहीं बट यहाँ पर आप लोग देखो इसमें बहुत सारे लेसन्स आ गए हैं और आप इन लेसन्स को वीडियो के साथ शायद देख सकते हो इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर टच टाइपिंग सिखा रहे हैं आपके हाथ कहाँ होने चाहिए और कैसे होने चाहिए मेरे हिसाब से यार बहुत सारी रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन अवेलेबल इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आप उसको हाथ में लें इस्तेमाल करें जब आप लोग स्टार्ट करेंगे उसको यूज़ करना आप लोगों की टाइपिंग स्पीड डेफिनेटली इंप्रूव होगी तो आप लोग टाइपिंग मास्टर वाला सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो उसको इस्तेमाल करने के बाद आप इस तरह की वेबसाइट्स पर आ सकते हो जहाँ पर आप डेली प्रैक्टिस करोगे एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जैसे ही आप टच टाइपिंग को स्टार्ट करोगे ना आपकी टाइपिंग स्पीड रिड्यूस हो जाएगी अब आपको कहेगा यार रिड्यूस हो जाएगी रिड्यूस क्यों होगी देखो जब आप ऐसे टाइप कर रहे थे बीस पर वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर और आप अपनी टाइपिंग स्पीड के सेचुरेशन लेवल पर पहुंच चुके थे यानी कि आप उससे तेज़ नहीं कर सकते अपनी टाइपिंग स्पीड तब आप एट दैट पॉइंट बाईस या बीस वर्ड पर मिनट पर टाइप कर रहे हो बट जरा सोचो अगर आप लोग टच टाइपिंग करोगे इस तरह हाथ रखें तो आपकी जो स्पीड है वो अराउंड टेन वर्ड्स पर मिनट मे बी फिफ्टीन वर्ड्स पर मिनट उससे भी कम आ जाएगी और आपको फ्रस्ट्रेशन फील होगा आप कहेगा यार मैं कहाँ फंस चुका हूँ मैं कहाँ फंस चुका हूँ ठीक है बट मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि आप लोग जो फंस चुके हो ना वो सिर्फ एक और दो वीक के लिए फंस चुके हो और आप लोग एक या दो वीक के अंदर अंदर ही अपनी पुरानी टाइपिंग स्पीड को क्रॉस कर दोगे यानी कि आप बहुत तेज टाइप करने लग जाओगे और बीस वर्ड पर मिनट से तो डेफिनेटली बहुत तेज क्रॉस कर जाओगे बीस से आप पहुंचोगे थर्टी फोर्टी के मार्क पे फिर आप पहुंचोगे फिफ्टी सिक्सटी के मार्क पे फिर आप बोलोगे सेवेंटी फिर आप हंड्रेड के मार्क पे फिर वन ट्वेंटी और वन फिफ्टी के मार्क तक भी आप लोग बहुत आराम से पहुंच जाओगे अगर मुझे सिर्फ आप लोग को एक एक टिप देनी पड़ जाएगी आज जब टच टाइपिंग सीख रहे हैं तो एक टिप वो क्या है जो आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है तो मैं बोलूंगा एक्यूरेसी मैटर्स और दूसरी टिप अगर मैं आप लोग को दूं वो ये है कि जो प्रोग्रेस होती है वो लीनियर नहीं होती है अगर आप 50 वर्ड पर मिनट पर कभी टाइप कर रहे हैं और आप लोग को एक दो दिन के बाद लगता है कि यार मेरी स्पीड तो चालीस हो गई यार परसों तो पचास थी अब चालीस क्यों हो रही है तो प्रोग्रेस लीनियर नहीं होती है आप तीस से चालीस पाएंगे चालीस से आप पैंतीस पे आ सकते हैं पैंतीस से आप छत्तीस पे आ सकते हैं छत्तीस से आप बत्तीस पे आ सकते हैं बत्तीस से आप पचास पे आएंगे पचास पे आएंगे, फिर नीचे आके परसो तो तीस, तो 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 पर होनी होनी पर तीस तो हो ही नहीं सकती ऐसा नहीं है कभी कभी जो सेंटेंस है उसकी डिफिकल्टी लेवल पे भी आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है तो मैं आप लोग को यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें प्रैक्टिस 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 एक्यूरेसी मैटर्स अगर आप 30 वर्ड पर मिनट टाइप कर रहे हैं दो गलतियां करके और आप 25 वर्ड पर मिनट टाइप कर रहे हैं जीरो गलतियां करके मैं कहूंगा वो 25 वर्ड पर मिनट जो है वो बेटर है ठीक है अगर आप 16 वर्ड पर मिनट टाइप कर रहे हैं बिना किसी गलती के और आप एक दो वर्ड की गलती कर देते हैं और तीस वर्ड पर मिनट में चले जाते हैं मैं कहूँगा वो सोलह या पंद्रह अच्छी है जिसपे आप बिना किसी गलती के टाइपिंग कर रहे हो तो ये एक प्रो है जो कि मुझे किसी नहीं दी क्योंकि अगर आप लोग गलतियां कम करोगे तो फ्यूचर में भी आपकी टाइपिंग उतनी ही अच्छी रहेगी आप गलतियां कम करोगे स्पीड तो देखो बढ़नी है ठीक है प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड आपकी बढ़ती रहेगी बट जो एक्यूरेसी है वो एक ऐसी चीज है कि आपको परेशान करती रहेगी अगर शुरू में आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो, तो आपको इनिशियली को अपने क्लोज टू हंड्रेड परसेंट रखना है एज क्लोज टू हंड्रेड परसेंट एज पॉसिबल नाइन्टी सिक्स नाइन्टी एट इज गुड बट एज क्लोज टू हंड्रेड परसेंट एज पॉसिबल और शुरू में आपको बिल्कुल भी वर्ड पर मिनट को देखना ही नहीं है आपको एक्यूरेसी को देखना है ये बात ध्यान में रखना मेरी और आप लोग याद करोगे इस बात को सुन के मुझे कि एक्यूरेसी को हंड्रेड परसेंट आपको रखना है चाहे वर्ड पर मिनट आपके साथ निकले छः निकले चाहे आपकी ग्यारह वर्ड पर मिनट निकले आपको एक्यूरेसी को देखना है अगर आपकी एक्यूरेसी सौ है और कोई दूसरा इंसान है जिसने दो दिन प्रैक्टिस करके चौबीस वर्ड पर मिनट निकाल दिए एक्यूरेसी नाइनटी नाइन पर मैं कहूँगा आप बेहतर हैं उससे क्योंकि आपकी एक्यूरेसी हंड्रेड परसेंट है एक्यूरेसी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आई कैन नॉट एम्फोसाइज इनफ अब मैं बात करना चाहूंगा कि क्या आपको इस तरह के कीबोर्ड की, की जरूरत है नहीं आप लोग को इस तरह के कीबोर्ड की जरूरत नहीं है आपको पांच छह आठ दस हजार का कीबोर्ड खरीदने की कोई जरूरत नहीं है इनिशियली ठीक है आप एक अच्छे कीबोर्ड में इन्वेस्ट करें कोई ऐसा कीबोर्ड नहीं होना चाहिए कि भाई हथौड़े से आपको की ठोकनी पड़ रही है उसके बाद अंदर घुस रही है वो होते हैं ना कुछ कीज जो यूं करके जाती है अंदर वैसी कीज आप लोग को नहीं लेनी है आपको एक ऐसा कीबोर्ड लेना जिसकी की स्मूथ हो इतनी होगी यार आप इस तरह से टाइप कर सको और मेरे हिसाब से आजकल मार्केट में बहुत अच्छे कीबोर्ड्स आते हैं अगर एक अच्छे ब्रांड आप खरीदोगे की सस्ता ही सही चार सौ का ही सही मैं वो से काम चल जाएगा। अगर आपके है, तो है।, है।, है इस इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है अब बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं टीवीएस का एक भारत नाम से की आता है टीवीएस भारत गोल्ड वो इस्तेमाल करता हूँ और बहुत सारे लोग कहते हैं हमें भी यही खरीदना है तो क्या इससे कोई फायदा हुआ खरीदने से कहूंगा कि मैं ये पर्सनली इसलिए इस्तेमाल करता हूँ इसकी एक बहुत लंबी कहानी है मैंने अपनी एक इंटर्नशिप में इसको इस्तेमाल किया था बहुत लंबे टाइम तक और इसलिए मुझे इस कीबोर्ड से प्यार सा हो गया था फिर मैंने अपने लिए कीबोर्ड मंगाया था फिर मेरे इस पे हाथ सेट हो गए थे इसलिए मैं इसी को इस्तेमाल करता हूँ तब से ये ख़रीदा हुआ है तो पड़ा हुआ ही है यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप एक अच्छे कीबोर्ड में इन्वेस्ट करें और अपने आप से पूछें कि यार आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या आपको टी वी एस भारत की बोर्ड ख़रीदना है सिर्फ इसलिए कि मैं यूज़ कर रहा हूँ या आपको एक अच्छा की बोर्ड खरीदना है इसलिए कि यार वो आपको अच्छा लगता है वो आपको भाता है तो बजट इज़ इम्पॉर्टेंट यार अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो हाँ एक अच्छा मैकेनिकल की खरीद सकते हो लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो मेरी बात मानो आप मुझ पर आंख बंद करके यकीन कर सकते हो कीबोर्ड से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मैंने 122 ट्वेंटी टू वन पर मिनट लैपटॉप के कीबोर्ड से भी टाइप किया हुआ है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल कीबोर्ड है तभी फास्ट टाइपिंग स्पीड आएगी ठीक है तो ये एक बात हो गई कीबोर्ड की आप एक अच्छे कीबोर्ड में इन्वेस्ट करें इट डज मैटर खराब कीबोर्ड नहीं होने चाहिए बहुत सस्ते वाले कीबोर्ड नहीं होने चाहिए पत्थर जैसी कीज़ नहीं होनी चाहिए एक नॉर्मल कीबोर्ड जिसकी कीज़ दबती हैं ढंग से मॉडर्न कीबोर्ड यानी कि 20 साल पुराना कोई कीबोर्ड पड़ा हो वो कीबोर्ड इज इनफ फॉर यू ठीक है तो अगर मैं आप लोग को समराइज़ करूँ तो मैं कहूँगा आप सभी लोग जो है इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना और इसका जो ये सात दिन का फ्री ट्रायल है इसको इस्तेमाल करना मैं इसको खरीदना रिकमेंड नहीं करता हूँ बिल्कुल भी आप चाहो तो जरूर खरीद लेना बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ खरीदना क्योंकि मेरे हिसाब से यार सात दिन में आप इसको निपटा दोगे सात दिन में इससे जितना आपको लेना है आप ले लोगे और उसके बाद आप लोग इसको यूज़ करके ये सेवन डेज का फ्री ट्रायल जो तेरे हैं उसको यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हो कि ये जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं उन पे आप लोग जा सकते हो अब मैं जल्दी से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने पर्सनली पैसे कैसे कमाए इससे तो मैं जब अपने कॉलेज डेज में था वहां पर मैं एक बिजनेस से मिला था जिनके पास हैंड रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को टाइप डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करने का काम था और मैं उनको जब मिला था तो वो मेरी टाइपिंग स्पीड से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे और उन्होंने मुझे एक काम दिया था आइडियली आई नो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड सच काइंड ऑफ वर्क बट मैं पर्सनली लखी था मुझे इस तरह का काम मिला था और एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए काम करने का उसी के साथ साथ मैंने फ्रीलैंसिंग वेबसाइट्स पर भी काफ़ी टाइपिंग करी थी इनिशियल स्टेज में और उसके बाद मैंने उसको छोड़ा भी था क्योंकि यार मुझे लग रहा था कि मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रही है और मुझे प्रोग्रामिंग भी ध्यान देना है इसलिए मैंने उस काम को छोड़ दिया था उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को फ्रीलैसिंग पर खैर मैं आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो कभी दे दूंगा अगर आप लोगों को चेंज हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और उसी के साथ साथ मैं एक बात और यहाँ पर करना चाहता हूँ जाने से पहले कि आप लोग हमेशा 130 वर्ड्स पर मिनट 90 वर्ड्स पर मिनट जो आपका मैक्सिमम मार्क है वो हमेशा अचीव नहीं करेंगे जब आप लोग सोच कर कुछ टाइप कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली फास्ट होंगे आप कहीं पर देख कर टाइप कर रहे हैं तो आप उतने फास्ट नहीं होंगे अगर आपके दिमाग में है कि आपको अपने दोस्त को लिखना है हाउ आर यू तो आप वो हाउ आर यू बहुत तेज टाइप करोगे लेकिन अगर आप किसी पेपर में देख कर टाइप कर रहे हो हाउ आर यू तो वो आप बहुत स्लो टाइप करोगे ये एक पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका पोस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को अपने पोस्चर को कुछ इस तरह से रखना है कि जो आपकी ये एल्बो है वो नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाती है और कीबोर्ड पर जब आप इस तरह से हाथ अपने रख रहे हो तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए आपकी जो आंख है वो आपके मॉनिटर के टॉप पर एकदम अलाइन करें आप उसको देख पाए थोड़ा सा अपनी गर्दन को नीचे करके आप टाइप करें उसी के साथ साथ आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और जब आपकी बैक स्ट्रेट है तो आप अपनी चेयर को इस तरह से अरेंज करें कि आपकी जो बैक है वो उस पर रेस्ट कर रही है एंड एट द सेम टाइम वो स्ट्रेट भी है और आपके कंट्रोल में है और आप इस तरह से टाइप कर सकते हो एक और बात ये है कि आपका जो फुट है वो जमीन को टच करना चाहिए और अगर वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आपको नीचे कुछ लकड़ी के टुकड़े वगैरह रखने पड़ेंगे या आप लोग को फुट रेस्ट का इस्तेमाल करके अपने पैर को रेस्ट देना है आपका जो फुट है वो आपकी जो नीचे ज़मीन है उस पर रेस्ट करे ठीक है ये एक पॉइंट है सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो गई होगी किस तरह से आपको टच टाइपिंग सीखनी है मैं जो भी रिसोर्सेज वगैरह मुझे दिमाग में आएंगी फ्यूचर में एक्स्ट्रा मैं प्रिंट कमेंट या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसी के साथ साथ ये एक जर्नी है डेस्टिनेशन नहीं है मैं अगर आज 150 सौ वर्ड पर मिनट मार्क तक जा पाता हूं तो मैं यहाँ पर देखूंगा अब 200 वर्ड पर मिनट मार्क पर कि यार मैं 200 वर्ड पर मिनट मार्क को अचीव करूँ अगर मेरी यहाँ पर नॉर्मल पोजीशन में टाइपिंग स्पीड 90 से 110 के बीच में तो मैं कोशिश करूँगा वो नॉर्मल जो मैं बैठ के टाइपिंग स्पीड लगाता हूँ अपनी टाइपिंग uh, करता हूँ कुछ भी अगर मैं आ जाऊँ uh, अच्छे पोस्चर में और टाइपिंग करना स्टार्ट कर दूँ तो वो कम से कम वन थर्टी होनी चाहिए ठीक है तो उस तरह से मुझे अपने आप को अब ट्रेन करना है तो ऐसा नहीं है कि मैं एक प्रो हूँ और ये आप लोग को जो बनना है जो मैं हूं ऐसा कुछ नहीं है मैं 150 फिफ्टी वर्ड पर मिनट मैक्स मार्क तक अभी आया हूँ और मुझे इसको सबसे पहले स्टेबलाइज करना है उसके बाद मुझे 200 सौ वर्ड पर मिनट मार्क पे देखना है बट अगैन आप लोग को कुछ ऐसा भी नहीं करना है कि यार आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो टच टाइपिंग में बीत रही है टच टाइपिंग को करने में करवाने में सोचने में ऐसा कुछ नहीं है आप अपने प्राइमरी वर्क पर भी फोकस रखें एंड एट द सेम टाइम आप लोग पार्ट टाइम इस काम को भी कर सकते हैं सो आई होप कि आप लोग को ये वी वीडियो पसंद आया होगा अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time